वजीर आजम की जानिब से तलब करने पर फौज ने करोना एसओपीज पर अमल शुरू करा दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। वजीर आजम ने कहा था कि एसओपीज पर अमल कराने के लिए सख्ती करेंगे। पाक फौज ने भी पुलिस के साथ सड़कों पर निकलेगी। भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन कर दें, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। हुकूमत कितनी देर रुक सकती है? ये आवाम पर मुनसर है कि मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। पांच फीसद से ज्यादा शराब वाले इलाकों में स्कूल और कॉलेज ईद तक बंद। रेस्टोरेंट की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी। खाना पार्सल कराएं, घर लेकर जाएं या ऑर्डर पर मंगवाएं। ईद तक शाम 6 बजे बाजार भी बंद। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक। हाजिरी 50%। बैरून मुल्क से आने वालों की तादाद में कमी की जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कौमी राबता कमेटी के फैसले सुना दिए। साथ ही खबरदार कर दिया कि सूरत हाल ना संभली तो लॉकडाउन भी हो सकता है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल ने वजारत कौमी सेहत से कोरोना मरीजों के लिए मुतबादल अस्पतालों में इंतजाम करने की दरख्वास्त कर दी। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 144 जिंदगियां ले गया। मजीद 5,870 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% हो गई। अप्रैल का महीना पाकिस्तान के लिए हलाकत खेज रहा। 1 अप्रैल से अब तक मुल्क में कोरोना से 2,411 अफराद जान से गए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुमताज हुसैन का भी कोरोना से इंतकाल। NCOC के मुताबिक जान बहक अफराद में से 32% वेंटिलेटर्स पर थे। तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन की मुखालफत सामने आ गई। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने जहांगीर तरीन के ग्रुप के वजीर आजम से मुलाकात की मुखालफत कर दी। कहा वजीर आजम करप्शन के खिलाफ सख्त मौकफ रखते हैं। जहांगीर तरीन की वजीर आजम से मुलाकात से इदारों पर दबाव आएगा, नरम गोशे का तासर जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जेल से जमानत पर रिहा। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर नवाज शरीफ से गुफ्तगू। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ की असासे नीलाम करने का हुक्म। तमाम रकम कौमी खजाने में जमा कराने की हिदायत। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की जिस जायदाद पर एतराज नहीं आया वो नीलाम की जा सके। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब को रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे की तहकीकत की हिदायत। कुछ सियासतदानों और मुफाद परस्त ग्रोहों के कहने पर हाउसिंग सोसाइटीज के लिए हदबंदी मुबैना तब्दील कर दी गई। लागत में 25 अरब रुपए इजाफा किया गया। कराची के हल्का 249 के जिमनी इलेक्शन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जारी। मरीम नवाज आज कराची आकर हल्के का दौरा करेंगी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 साल बाद 9-0 ऑपरेशन केस का फैसला सुना दिया। MQM के कारकुन फैसल उर्फ मोटा, उबैद उर्फ केटू, नादिर शाह, आमिर उर्फ सरफटा और दीगर को धमाका खेज मवाद के इल्जाम से बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन MQM के कारकुनों पर 52 मुकदमात में इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा। गैर कानूनी असलाह रखने के जुर्म में फैसल मोटा को 10 साल कैद और फरहान शब्बीर को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। भारत में 3 दिन में तीसरा रिकॉर्ड। आज कोरोना के मजीद 3,45,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। 2600 से ज्यादा अफराद हलाक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को भी पाकिस्तान आने से आर्जी तौर पर रोक दिया। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है। वाहिद रास्ता जामे और वसी मुजाकरात हैं। बैन अफगान मुजाकरात की सूरत में अफगानों के पास एक नादिर मौका है। उन्हें चाहिए कि वो सब मिलकर मुजाकरात को नतीजा खेज बनाएं। तुर्की में अफगान अमन अमल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में बेअमनी की सबसे भारी कीमत अफगानों के बाद पाकिस्तान ने चुकाई है। सैफरी की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा ने शिरकत की। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। और 11 खिलाड़ी मिलकर भी 100 रन ना बना सके। पूरी टीम 99 रन पर आउट। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से हरा दिया।